हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज क्लास 8 का टॉपिक रैशनल नंबर्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स। तो अभी तक हमने पढ़े हुए नेचुरल नंबर्स, जो लास्ट क्लास में आपने पढ़े हुए, मेरा वीडियो भी है फैक्टर्स पर, जिसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने नंबर्स भी डिस्कस किए हुए हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर्स हमने देखे हैं, होल नंबर्स होते हैं आपके 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट। और इंटीजर्स होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स पर। तो रैशनल नंबर्स होते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में। रैशनल नंबर्स होते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल, और जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है और पी और क्यू दोनों ये निशान जो है, ये साइन है, ये बिलोंग के लिए है, बिलोंग टू। तो पी एंड क्यू बिलोंग टू जेड, जेड मतलब इंटीजर। ये इंटीजर का या सिंपली जेड ना लिखे तो इतना लिख दे कि पी, और ऐसा भी नहीं लिखना चाहते बिलोंग टू तो लिख दे पी क्यू आर व्हाट दे आर इंटीजर। और क्यू जो डिनोमिनेटर है, दैट शुड नॉट बी 0, उसको 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हुआ तो आप अपने मोबाइल पे एक बार चेक करें कि कैलकुलेट करके कि 2/0 क्या होगा, 3/0 क्या होगा, तो आएगा इट इज नॉट डिफाइंड। तो आपकी क्लास के लिए इतना ही बताना बहुत है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जब बात आ ही गई है तो मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म समझाता हूँ, और उससे पहले आप कुछ एग्जांपल समझ लें जो इसके नेचुरल, ये रैशनल नंबर्स के हैं, जैसे 4.5, 7.2, 3, 3। तो 3 भी एक रैशनल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/1। तो ये भी उसी फॉर्म में आ गया, पी बाय क्यू के फॉर्म में हो गया। अगर आपके पास माइनस में है कोई, तो माइनस में 2/3, माइनस 3/4, माइनस 5/-3 है तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि आपको पिछली क्लास के जो वीडियोस हैं आप उसको देखें कि -/- क्या होता है। तो मैंने क्लास 7 के, क्लास 6 के सभी वीडियोस बनाए हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो -/- क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये तो प्लस ही है एक प्रकार से। लेकिन अब अगर नंबर आपका इस तरह से है 4/6, ये भी रैशनल है, पर ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है। तो जब ये कॉमन कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो कॉमन क्या है इसमें, इसमें तो इसको लिख सकते हैं 2/2, और इसको लिख सकते हैं 3/2। अब अगर आप 2 से 2 कैंसिल कर दें, यानी 2 से 2 डिवाइड कर दें, ऊपर वाले को भी 2 से डिवाइड कर दें और नीचे वाले को भी 2 से डिवाइड कर दें, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या चीज हुई, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स की, नंबर क्या है, इफ नंबर इज p/q, अगर नंबर p/q है, देन p और q में शुड नॉट हैव
should not have any common factor other than one. वन को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका नंबर है 3/4, तो इसको आप 3 × 1 और 4 × 1 लिख सकते हो। तो इसमें कॉमन कौन हो गया, इसमें कॉमन हो गया 1, तो इसको छोड़ के, तो ये तो है। पर अगर ऐसा लिखा हुआ है जैसे 4/6 है, तो 4/6 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है, 2। तो जब वो 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ही। तो ये नंबर क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2/3 जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है कि A एक नंबर है, B एक नंबर है, आप किसी नंबर से दोनों को डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल टू डिवाइड बोथ, यस इट इज पॉसिबल, हाँ पॉसिबल है। ए को हमने एम से डिवाइड कर दिया और बी को हमने किससे डिवाइड कर दिया, एम से, दोनों को सेम सेम से डिवाइड किया जैसे यहाँ पे दिखाया। तो दिस एज अ प्रॉपर्टी यू कैन नोट, तो मेक अ नोट ऑफ इट, आप इसको ध्यान रख लें। और इसी तरह से अगर आपके पास नंबर 2/3 लिखा हुआ है, तो 2/3 से आप वापस 4/6 बना सकते हो, यस। तो 2/3 से अगर 4/6 बनाना है आपको, तो आपको दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर दूसरा कुछ बनाना है तो किसी दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी मर्जी की बात है आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी अब आप ध्यान रखें, a अपॉन b है और इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए n से, तो ऊपर भी आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने से जो नंबर आते हैं वो इक्विवेलेंट नंबर होते हैं। ये दोनों नंबर्स जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये सारे नंबर दिस ऑल आर इक्विवेलेंट नंबर्स। सारे नंबर्स कैसे नंबर्स है, इक्विवेलेंट नंबर्स है। तो इक्विवेलेंट नंबर्स भी समझ में आ गया आपको कि इक्विवेलेंट नंबर्स क्या है। इक्विवेलेंट नंबर्स वो नंबर्स हैं जो इस तरह से होते हैं, किस तरह से, ए अपॉन बी और a इंटू एन अपॉन बी इंटू एन, या इस तरह से। अब आपको मैं और बताता हूँ इक्विवेलेंट नंबर्स बनाना, इक्विवेलेंट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स हुज सिंपलेस्ट फॉर्म आर सेम। नंबर्स कैसे भी होंगे पर जब व्हेन दे विल कम इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म दे विल बिकम द सेम। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा है 10/25 और दूसरा लिख देते हैं यहां लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 4, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 2/5 है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 4/10, कैसे, अब इसको आप सिंपलेस्ट मानोगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2/5 है। तो देखो दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसा हो, सेम हो। ऐसा ही अपन और भी एक इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मान लीजिए एक नंबर ले लिया 6 और दूसरा ले लिया 15, तो ये तो नंबर है, ये सारे नंबर्स कैसे इक्विवेलेंट है, सबकी वैल्यू सेम है। लेकिन जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा तो सिंपलेस्ट के लिए इसको इस मेथड से 3 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो 3 से इसको ऊपर नीचे जब डिवाइड करोगे आप तो ये क्या बन जाएगा, ये भी आपका क्या नंबर बन जाएगा, 3 × 6 = 3/5। और हो सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी इक्विवेलेंट नंबर्स आर देयर। पर अब एक मजे की बात जो आप ध्यान से सुनिए और ध्यान रखिए,
कि मैंने बताया आपको कि a by b, a मान लीजिए कोई नंबर है 2/4, तो आप इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, आप 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऊपर नीचे। तो ये यहाँ पे भी आप याद रखें, a by m, b by m में m should not be what, m should not be 0, और इसमें भी याद रखें n should not be what, n should not be 0, n को 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब आइए हम समझते हैं कि रैशनल नंबर्स में कंपैरिजन करना है, कि रैशनल नंबर्स कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए कैसे कंपेयर करेंगे कि विच रैशनल नंबर इज बिगर, तो आपको कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर सिखाता हूँ, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स मान लीजिए अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि इसमें आपने देखे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आपने देखे हैं कि जो प्लस होते हैं, और नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो माइनस होते हैं। तो आप आगे देखें कि अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो जैसे आपने 2/3 और यहाँ पे ले लिया 3/7 ले लिया, तो इन दोनों में बड़ा कौन है पहचानना है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 × 2 = 14 और 3 × 3 = 9, तो 14 किससे बड़ा है, 9 से बड़ा है, तो इसका मतलब है दैट इज 2/3 इज बिगर देन 3/7, 2/3 3/7 से बड़ा हो गया, 2/3 3/7 से बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि दिस इंटू दिस इज ग्रेटर देन दिस इंटू दिस। अगर आप ऐसा ले लें 4/5 ले लें और यहाँ पर ले लें आप 2/3 ले लें, तब देखें क्या होगा, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 × 4 = 12 और 5 × 2 = 12, तो फिर इस केस में ऐसा हो गया। और अगर आपके पास ऐसा है 2/7 और यहाँ पर ले लें आप 3/2, तो कौन बड़ा होगा, तो आप ऐसे देखें 2 × 2 = 4, 7 × 3 = 21, नेचुरली ये साइड बड़ी। अब अगर दोनों कैसे हों, दोनों नेगेटिव हों, अगर दोनों नेगेटिव हों, तो इसका मैं एक आपको कंक्लूजन ड्रॉ कर देता हूँ, a by b अगर प्लस का है और c by d अगर प्लस का है, तो ये इससे बड़ा होगा, कब, जब जब a into b बड़ा होगा किससे, b into c से। और नेगेटिव में क्या होगा, तो नेगेटिव का भी आप समझो, जैसे -2/3 है, आपने नेगेटिव में देखा होगा कि पिछली क्लासेस में -2 is bigger than -3, क्योंकि नेगेटिव में जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, -1 is bigger than -100, 0 is bigger than -2.7 और -2.7 is bigger than -9। तो अगर दोनों नेगेटिव हैं तब क्या होगा, तो माइनस देखिए ये नंबर इस तरह का है आपका -2/7 और यहाँ पर है आपके पास -3/4, तो इसमें जो छोटा होगा आप इस माइनस को छोड़ दें, फॉरगेट दिस माइनस, अब देखें 2 × 4 = 12, 7 × 3 = 14, तो 7 × 3 = 14 क्या हो रहा है आपका, ये बड़ा आ रहा है 7 × 3 = 14, 2 × 4 = 8 से, तो ये बड़ा आ रहा है, तो इसलिए ये इस साइड बिगर होगा, किस साइड, इस साइड। फिर एक और एग्जांपल, -3/4 ले लिया आपने, या माइनस कोई बदल ले, -3/7 ले लें और यहाँ पे ले लेंगे -2/3 ले लिया, आप देखते हैं अपन, तो पहले तो आप माइनस को आप अपने पॉकेट में रखें, माइनस आप अपने जेब में रख लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 3 × 3 = 9, 7 × 2 = 14, ये साइड बड़ी आ रही है पॉजिटिव में, लेकिन ये माइनस में कैसी होगी,
ये बड़ी हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो माइनस ए अपॉन बी और माइनस सी अपॉन डी जब होगा, जब इफ ए इंटू डी, ए इंटू डी क्या हो, स्मॉलर देन बी इंटू सी हो। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। तो आप देखो 2/3 यहाँ पे लिखा है, -7/4 लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो पॉजिटिव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव साइड। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन फॉर दैट काइंड ऑफ नंबर्स, उस तरह के नंबर्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव है तो नेचुरली क्या होगा, ये बड़ा ही होगा, उसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। अगर ये पॉजिटिव है, मान लीजिए आपका ए बाई बी है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है माइनस सी बाई डी, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस नंबर, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, और जीरो इज ग्रेटर देन, जीरो इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर, जीरो नेगेटिव नंबर कोई भी होगा उससे बड़ा ही होगा। तो ये कंपेरिजन का चार्ट है, ये ध्यान रखना। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे मेरे इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, अपनी बात उनसे कर सकते हो, उनकी बात भी सुन सकते हो, कोई कमी रह गई हो तो मुझे बता भी सकते हो। अब हम देखें कि इनका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है रैशनल नंबर्स का, उसको समझते हैं कि रैशनल नंबर्स कैसे ऐड होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं और कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उन पे लगती है। तो एडिशन देखिए, एडिशन के लिए आपके पास 2/7 है और 3/2 है, आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो पहले ये जो नंबर्स हैं इनके इक्विवेलेंट नंबर्स बना लो। इक्विवेलेंट नंबर्स बनाने के लिए इन दोनों का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आएगा, 7 और 2 का, 7 और 2 का, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 7 में रिमेन एज इट इज 2 बन जाओ, 2 दो से एक बार चला गया, आप 7 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 × 7 क्या है, 2 × 7 14 एलसीएम आया। तो इसका डिनोमिनेटर 14 बना लो और इसका न्यूमरेटर जो भी बनेगा वो उसकी मर्जी की बात है, इसका भी डिनोमिनेटर बना लेंगे और वो जो उसकी मर्जी की बात है। तो इसके लिए एलसीएम आएगा 7 और 2 का 14, सॉरी ये थोड़ा एडवांस में था, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये आ जाएगा, आप 14 बनाने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये सबसे आसान तरीका है। इसमें भी आप ऊपर नीचे किससे 14 बनाना है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, 7 से, तो 2 × 7 तो ये 3 × 7। अब आपका ये हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो गया 14, ये हो गया 4 + 21, ये भी हो गया आपका 14। अब आप इसको ऐड कर दें तो 4, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो नंबर्स कैसे होते हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। आप लिख दीजिए यहाँ पे ए बाई बी प्लस सी बाई बी, प्लस में और माइनस में दोनों में एक जैसे ही है, तो ये हो जाएगा ए प्लस माइनस सी अपॉन बी, प्लस और माइनस दोनों ही एक जैसा है, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे 4 + 21। माइनस होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का सेम है, ऐसे करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी कोई खास चेंज नहीं है, दोनों के लिए एक ही तरकीब है कि दोनों के पहले क्या बना लें, डिनोमिनेटर सेम कर लें और फिर चेक कर लें। अगर आपको नंबर्स बड़े छोटे के पता लगाना है तो एक तरीका ये भी रहता है आपका, जो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास नंबर था, एक नंबर ले लेते हैं 2/7 और 3/2, इनमें बड़ा कौन छोटा कौन, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम बना लें, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 2 से,
इसको किससे करेंगे, ऊपर नीचे किससे करेंगे, सेवन से। अब आप कंपेयर कर लें कि दोनों में से बड़ा कौन, तो बड़ा कौन सा है, ये 4/14 हो गया और ये हो गया 21/14। तो ये वाला नंबर से ये वाला नंबर बड़ा हो गया। कौन सा वाला बड़ा हो गया, 2/7 इज स्मॉलर देन 3/2। तो ये भी एक तरीका है नंबर ग्रेटर कंपेयर करने का। तो अनदर मेथड ऑफ कंपेरिजन इज दिस। अब आपको एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास है 3/5, या दूसरा ले लेते हैं तो थोड़ा सा ऐसा जिसमें एलसीएम मिक्स होके आए। तो मान लीजिए 3/6 है, 3/6 के लिए चलो ठीक है, 3/6 नो प्रॉब्लम, 3/6 ले लिया, यहाँ पे ले लिया माइनस 5/, यहाँ नीचे ले रहे 1/4। अब इसमें देखें कि इसका एलसीएम क्या होगा 6/4 का, तो मैंने 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 इज नॉट डिविजिबल, ये डिवाइड हो गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर इसका एलसीएम आएगा 2 × 2 × 3, कितना आएगा 12। तो फिर इसको ऊपर नीचे 12 बनाना है। तो 3 × 2, पहले 6 पर फोकस करें, 6 × 2, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 12 बनाएंगे तो क्या करेंगे 4 × 3, ये जाएगा 5 × 3। अब ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, 6/12 माइनस 15/12, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऊपर वाले डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, 6 − 15 से आपके पास आ गया माइनस 9/12। अब माइनस 9/12 को कैंसिल कर दो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 3 × 3 = और 3 × 4 = दोनों को 3 से डिवाइड करनी है, तो इट हैज कम इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये अब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो हमने देखा एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, फिर मैं आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन की जो मैंने सिंपलेस्ट मेथड कहा था, डायरेक्ट मेथड जिसको हम बचपन में यूज़ करते थे, आपके पेरेंट्स भी उसको यूज़ करते रहेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम क्वेश्चंस और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे हम। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स का, मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आ जाएगा तो फिर डिवीजन भी बिल्कुल आसान है, कोई खास बात नहीं। मल्टीप्लिकेशन में एक रैशनल नंबर ए बाई बी, दूसरा नंबर है सी बाई। तो मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है, ए का किससे होगा सी से, बी का किससे होगा डी से, बहुत सिंपल है, ए इंटू सी बी इंटू डी। फॉर एग्जाम्पल 2/3 इंटू 6/something ले लें आप, 6/7 ले लें, तो ये इससे हो जाएगा 2 6 = 12, 3 7 = 29। अब इसमें कुछ कॉमन है, चाहे तो आप कॉमन को काट दें, तो कॉमन 3 है, तो 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो 12 को भी 3 से डिवाइड कर दें, 12 / 3, तो आपको इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो 3 × 12, 3 7 = 12, तो ये आ गया आपका। एक और आप समझ लें, 3/5 इंटू, अगर आपके पास लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तब ये क्या होगा, क्या है दोनों में मल्टीप्लाई होगा, नहीं, ये केवल ऊपर वाले में होगा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आप समझो, जब मैंने रैशनल नंबर बताए थे तो एक ऐसा एग्जांपल दिया था कि ये भी रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसको अपॉन में क्या लिख सकते हैं 1, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा और 5 इससे। तो इसको भी मैं आपको नोट करा देता हूँ, आप इसको भी ध्यान रखना, ए बाय बी इंटू, एक सिंबल यूज करते हैं आपके लिए, आप छोटे बच्चे हो, इसको लैम्डा कहते हैं, LAMBDA ग्रीक लेटर है, तो इसको ऐसे करेंगे ए इंटू लैम्डा और बी नथिंग, क्योंकि इसके अकाउंट में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, ऐसा नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि 2/3 × 7 ले लिया आपने, तो ऐसा नहीं होगा, दिस इज नॉट 2 × 7, 3 × 7, ऐसा फिर नहीं होगा। तो ये था मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद
नेचुरली क्या आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन आता है, तो डिवीजन भी समझते हैं, इसको डिवीजन समझे। डिवीजन कैसे होगा, तो डिवीजन के लिए आप a बाय बी को c बाय डी से अगर डिवाइड करेंगे तो इसको उल्टा कर दें तो ये इनटू में आ जाएगा, a बाय बी इनटू डी बाय सी हो जाएगा, c बाय डी उल्टा हो जाएगा। और अगर इसको ऐसे लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, a बाय बी अपॉन c बाय डी। अगर ऐसा नहीं लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं बच्चे, फिर कंफ्यूज भी होते हैं, तो इसको बड़ा कर देना। ये मेन वाला है, मेन डिवीजन है, इसलिए इसको क्या कर देना, बड़ा कर देना। तो ये ऐसा हो जाएगा आपका a बाय बी इंटू डी बाय सी। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर वाले से होगा, ये इससे होगा, इसी तरीके से ये इससे होगा और ये इससे होगा, वही चीज है, सेम चीज है, a इंटू डी और b इंटू सी। ये लिखने के तरीके, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किस तरीके से कंफ्यूज होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा है 2 बाई 3 अपॉन 4 लिखा है, तो कंफ्यूजन है कि अब क्या करें, 4 के अपॉन में 1 लिखें कि इसके अपॉन में 1 लिखें, तो आप ध्यान रखो, इसलिए इसको बड़ा बना लिया करो। आप कभी आपको ऐसा लिखा हो, देखिए आपको लिखा है 2 बाई 3 डिवाइडेड बाय 4 लिखा है और आपने इस फॉर्म में लिखा उसको, तो आप ऐसा लिखो 2 बाई 3 और ये मेन डिवीजन है तो इसको बड़ा करो। तो ये सोचो कि ये न्यूमरेटर तो कंप्लीट है, क्योंकि न्यूमरेटर में अपॉन में ऑलरेडी, डिनोमिनेटर में अपॉन में कुछ है तो अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये 1 ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 4 इससे, क्यों, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 बाई 3 इंटू 1 बाई 4। एक और मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसा लिखा हो 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 4, इसमें लिखिए आप ये कैसा लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, फिर ये मेन डिवीजन है तो मेन डिवीजन को बड़ा कर दो और 3 बाय 4 छोटा लिख दिया। अब देखो इसके अपॉन में तो कंप्लीट है, तो यहाँ 1 अपॉन में 1 नहीं लिखेंगे, पर इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो इसके अपॉन में 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाय 1 इंटू 4 बाय 3। तो ये इस तरीके से ये दोनों बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये आप अपने डायरी में नोट कर लें। और ये जो छोटी छोटी सी मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आप इनको भी नोट कर लें। अब हम कुछ आगे की बात देखते हैं, आगे समझते हैं इसको, आगे इनकी प्रॉपर्टीज हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। और एक क्वेश्चन है कि 0 इज व्हाट, 0 is a rational number or not, therefore keep in mind 0 is a rational number, 0 is a rational number, keep this in mind, 0 is a rational number, 1 कैसा number है, तो 1 is a rational number, because 1 can be written as 1 upon 1, and 0 can be written as 0, 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0, 0 by 1, 0 by 2, 0 by 4, 0 by 7, whatsoever you want to write, but not 0 by 0, but 0 by 0 नहीं लिख सकते, ये भी ध्यान रखना। तो 1 भी rational है और 0 भी rational है, माइनस में तो माइनस 1 भी rational है, तो माइनस 1 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर, वट इज 0 प्लस 0 माइनस 0, बहुत आसान, प्लस 0 माइनस 0 0 all answer, no change at all. So keep these things in your record and do follow them. Now let's come to properties. Properties में आते हैं, हमने उधर भी properties पढ़ी हुई है आपके केस में, जब integers के बारे में पढ़ा था, तो ऐसी यहाँ पे भी properties हैं। तो properties एक तो addition की है और दूसरी है multiplication के लिए, मल्टीप्लीकेशन आप ऐसे लिखते हो ऐसे। तो पहली ये प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स पे पढ़ रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टीज जो भी है ये रैशनल नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर, क्लोजर ये कहती है
कि अगर a by b एक रैशनल है और c by d भी एक रैशनल है, तो जो इसका आउटकम होगा वो भी एक रैशनल होगा, तो इज अ रैशनल, ये रैशनल होगा, ये रैशनल नंबर ही होगा। और a by b, a by b क्या है, a by b रैशनल है, c by d भी रैशनल है, अगर ये दो रैशनल है तो उनका एडिशन भी रैशनल होगा, नेचुरली उनका सब्ट्रैक्शन भी रैशनल होता है और उनका मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल होता है। ए बाई बी इंटू सी बाई डी इज अ रैशनल नंबर, याद ध्यान रखना। ये मैं जब सीनियर क्लासेस को पढ़ाता हूँ तो बच्चों को ये भूल जाता है, तो ये छोटे बच्चों को याद रहता है, आप याद रखना, ये आपके आगे भी बहुत काम आएगा। जब आप क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन, जेई वगैरह में भी जाएंगे, जब प्रिपरेशन करेंगे तब आपको आएगा क्लोजर, ये प्रॉपरली ध्यान रखना। आपके टीचर पूछेंगे आपको, मैं याद रहूँगा कि सर ने बताया था, तो ये क्लोजर आप मेरे साथ बने रहेंगे, मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा। मैं PhD मैथमेटिक्स में ही हूँ, तो इसलिए मैं आपके लिए हमेशा ही काम आऊँगा। 9685698056 ये मेरा नंबर है और आई विल कीप दिस नंबर फॉरएवर, मैं हमेशा ही इसको अपने साथ रखूँगा। और आपके कमेंट्स, आपके जो भी ओपिनियन होगी, जो भी आपके सजेशंस होंगे, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, यू कैन शेयर ऑल दोज थिंग्स इन दिस नंबर। अब अपन प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी ध्यान रखें, और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे और आप सीनियर क्लासेस में हों, 8 में हों, तो आप तब भी पिछले वीडियोस मेरे देख सकते हो, क्योंकि जो मेरा नज़रिया है समझाने का वो थोड़ा सा सीनियरिटी को ध्यान में रखते हैं कि आपको आगे क्या ज़रूरत पड़ेगी। कम्यूटेटिव है a by b प्लस c by d, तो आप c by d प्लस a by b लिख सकते हैं। ऐसे ही आपके पास है मल्टीप्लीकेशन भी, a by b इंटू c by d को आप लिख सकते हैं c by d इंटू a by b का ऑर्डर चेंज करना, ये कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव का समझाता हूँ, एसोसिएटिव जो बच्चे बहुत अच्छे अपनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं वो अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाएं और रोकेंगे नहीं। और एसोसिएटिव में शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट शिफ्ट हो जाता है, माइनस में ये ट्रू नहीं होता इसलिए प्लस में ट्रू होती है। ए बाय बी प्लस सी बाय डी प्लस बी बाय एफ, आप ये ब्रैकेट शिफ्ट हो गया, तो शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट से याद रखो आप एसोसिएटिव। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में भी है, ए बाय बी इंटू सी बाय डी इंटू बी बाय एफ इज इक्वल टू ए बाय बी इंटू सी बाय डी इंटू ई बाय एफ। इनको आप एग्जाम्पल ले लेके भी कर सकते हो, जैसे एक एग्जाम्पल ले ले आप 2/3 प्लस 4/5, फिर यहाँ पे ले लें 4/5 प्लस 2/3, इनकी वैल्यूज चेक करें आर दे इक्वल और नॉट, ऐसे इनको भी चेक कर सकते हैं। फिर अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस लेंगे बाद में उनके लिए इन प्रॉपर्टीज का स्पेशल इम्पोर्टेंस है, मैथमेटिक्स के लिए तो है ही है अनडाउटेडली, उसमें आइडेंटिटी भी पूछेंगे आपसे। आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी एडिशन की आइडेंटिटी होती है जीरो, आइडेंटिटी वो होती है जो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना करे, जैसे ए बाय बी मल्टीप्लाइड बाय एडेड विद जीरो विल रिमेन ए बाय बी, तो ए बाय बी की आइडेंटिटी चेंज हुई क्या आपने, जीरो प्लस ए बाय बी जीरो है ना, और दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, ए बाय बी प्लस जीरो ए बाय बी जीरो प्लस ए बाय बी, तो ए बाय बी इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। पर माइनस में ऐसा होता हो जाती है, जैसे 2/3 माइनस जीरो क्या होगा 2/3, चेंज नहीं हुई, और जब उल्टा करते हैं तो चेंज हो जाती है, जीरो माइनस 2/3 ये इक्वल नहीं है, 2/3 और माइनस 2/3 दे आर नॉट इक्वल, तो इसलिए ये जो आइडेंटिटी है जीरो
ये एडिशन का आइडेंटिटी है, किसका आइडेंटिटी है, एडिशन का, एडिशन का आइडेंटिटी है, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है, कीप दिस इन माइंड। और इसका सब्ट्रैक्शन का आइडेंटिटी नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन का आइडेंटिटी नहीं। और मल्टीप्लिकेशन में कौन सी चेंज करता है, तो मल्टीप्लिकेशन में वन ही चेंज करता है, क्योंकि वन को वन अपॉन वन भी लिख सकते हैं। तो ए बाई बी इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए बाई बी इज इक्वल टू ए बाई बी। तो वन डज नॉट चेंज आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन, जीरो डज नॉट चेंज आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट इन एडिशन, therefore one is identity for multiplication, zero is identity for addition। ये आप ध्यान रखना। अब इसके जस्ट बाद आती है इनवर्स प्रॉपर्टी, वो भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत शानदार, मस्त, एक नंबर। फिर इनवर्स, तो इनवर्स होती है a by b का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ए बाई बी। अगर आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो प्लस इनटू माइनस माइनस और ये जीरो हो जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा, क्लियर। तो माइनस ए बाई बी प्लस ए बाई बी, तो व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए बाई बी, माइनस ए बाई बी। तो ऐसे लिखते हैं इनवर्स, कौन सा इनवर्स है, एडिशन वाला है, तो इसको एडिटिव कहते हैं, एडिटिव, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी इज माइनस ए बाई बी। और एडिटिव इनवर्स के अलावा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ए बाई बी में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, तो ए बाई बी में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बी बाई ए, तो क्या जाएगा वन दोनों तरफ से, बी बाई ए इंटू ए बाई बी। तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बाय बी इज बी बाय ए, ए बाय बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी बाय होगा। तो जीरो बाय वन का क्या, जीरो बाय टू का क्या, टू बाय जीरो होगा, तो नहीं, तो याद रखो जीरो नोट, जीरो डज नॉट हैव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जीरो डज नॉट हैव इट्स मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। और जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज माइनस जीरो विच इज जीरो, मतलब खुद। और इसी तरीके से वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ वन इज वन अपॉन वन, जस्ट उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, उल्टा कर दो। जैसे टू का क्या होगा, वन बाय टू, थ्री का वन बाय थ्री, ऐसे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ वन इज वन बाय वन, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन, माइनस वन इज, तो इसको भी नीचे भेज दो, वन अपॉन माइनस वन, तो ये वन अपॉन माइनस वन, तो प्लस अपॉन माइनस माइनस वन, माइनस वन। वन का इनवर्स तो ऐसे दो नंबर्स हैं, कौन कौन से दो नंबर्स हैं, एक तो वन है और दूसरा कौन है, माइनस वन है। जिनके इनवर्स हो, जिनके इनवर्स वो खुद ही हो जाते हैं, जिनके इनवर्स वो क्या बन जाते हैं, खुद बन जाते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और अगर आपको किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/7, 7/8, तो उनका उनका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो मल्टीप्लिकेटिव
जैसे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, पाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/7 4/8 7 -8, तो आंसर क्या होंगे आपके, आंसर होंगे 7/3 8/4 1/7 और 1/-8 और प्लस अपॉन माइनस होगा माइनस, तो ये जाएगा -1/8। तो ये था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है कि और छोटे से कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है, a बाय बी इंटू सी बाय डी प्लस ई बाय एफ, इसको आप लिख सकेंगे a बाय बी इंटू सी बाय डी प्लस a बाय बी इंटू ई बाय एफ, ऐसे मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन के ऊपर, एडिशन नहीं हो सकता। ए बाय बी प्लस सी बाय डी इंटू ई बाय एफ लिखा होगा, तब ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा ए बाय बी प्लस सी बाय डी इंटू ए बाय बी प्लस ई बाय एफ, इट इज नॉट ट्रू, ऐसा ट्रू नहीं है। इसलिए आप इस बात का बहुत ध्यान रखना, किस बात का ध्यान रखोगे आप कि मल्टीप्लीकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पर एडिशन किस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन में। इसीलिए मोड मास का रूल है, तो वो रूल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको, तो एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको आपकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आराम से आएंगे। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 3/7 टू गेट 1/2, ये क्वेश्चन। तो हम मान लेते हैं कि 3/7 में कौन सा नंबर ऐड करें, तो मान लेते हैं कि 3/7 में हमने x ऐड किया, तो लेट x बी एडेड टू 3/7, सो दैट आप लिख सकेंगे लिखने में 3/7 प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 1/2। अब ये 3/7 उधर चला जाएगा, अगर इसके पहले कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे कौन होगा प्लस, जब ये उधर जाएगा तो 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 3/7। फिर मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन बताया कि दोनों को कैसे बना लो, सेम संग बना लो, इसका डिनोमिनेटर 2 और 7 का एलसीएम 14 आएगा, इसको 14 जैसा बनाना है, तो 2 × 7 1 × 7 माइनस इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया 14 आ गया, तो ये आ जाएगा 7 − 6 विच इज 1, तो आपका आंसर कितना आ गया कि 1/14 शुड बी एडेड। ऐसे ही आ सकता था कि क्या सब्ट्रैक्ट करें आप, तो क्या सब्ट्रैक्ट करें क्या मल्टीप्लाई करें, तो एक क्वेश्चन आपको सब्ट्रैक्शन का, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4/3 टू गेट 1/6 ले लीजिए। तो 4/3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो 4/3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, 4/3 में से x सब्ट्रैक्ट करें, और इसमें रिजल्ट क्या होना चाहिए आपका 1/6। तो x माइनस का है तो जब उधर जाएगा तो x प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 1/6 प्लस x,
और 1/6 इधर है, जब ये नहीं है यहाँ पे कोई निशान नहीं तो प्लस का है, तो 4/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू एक्स। अब हम दोनों का एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम आएगा 6, दोनों का एलसीएम आएगा 6। तो जब दोनों का एलसीएम 6 आएगा तो जो मैं आपको मेथड बताना चाह रहा था वो अब मेथड भी इसमें सीख लें कि दोनों का 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6, यहाँ पे 6 मिल गया। अब मन में इमेजिन करें डिनोमिनेटर से मैंने डिवाइड किया तो 3 2 6, और जो 2 आया उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 8, 6 1 6, मन में डिवाइड करें और जो 6 1 6, और वो उसमें मल्टीप्लाई कर दें 1, ये आ गया आपका 7/6। एक मैं आपको डिफरेंस का केस और बताता हूँ, या इसका यूज करना सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास है 5/4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/6, तो 4 और 6 का एलसीएम ले लें आप, 2 2 4, 2 3 6, फिर 2 से डिवाइड कर दें, फिर 3 से डिवाइड कर दें, अब इसका एलसीएम है 2 × 2 × 3, 12, तो आप लिख लें 12। अब क्या करें, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो 4 से इसको डिवाइड कर दें, 4 3 12, और 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 5 15, 6 से इसको डिवाइड कर दें तो 6 2 6 2 12, और 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया आपके पास 17/12। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आपको और कोई कंफ्यूजन हो और कोई प्रॉब्लम हो तो भी मुझे लिख के बताएं। अब मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड आ जाए, सब्ट्रैक्टेड की जगह क्या आ जाए, मल्टीप्लाइड आ जाए, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड की जगह यहाँ पे आ जाए मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड टू 4/3, 4/3 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो हम 4/3 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 में हम x मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा। अब ये कहाँ पे इनटू में, यहाँ जाएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो अपॉन में जाएगा। ऐसा नियम है कि प्लस वाली चीज जब इक्वल टू को बन जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस की, माइनस वाली जाती है तो प्लस की। जब मल्टीप्लीकेशन में कोई चीज रहती है, जब वो यहाँ जाती तो कहाँ आ जाती है, वो चीज़ वहाँ पर जा करके क्या बन जाती है, वो अपॉन में आ जाती है। और जो अपॉन वाली होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है अगर कुछ 1/x लिखा है तो उधर लेके वो कहाँ पर आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा। तो ये भी आप याद रखना, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 नीचे आ जाएगा। तो पहले वहाँ पे ऑलरेडी कौन है, ऑलरेडी वहाँ पर कौन है, 1/6, फिर ये अपॉन में आ जाएगा। फिर बड़ा सा बना होना इसको, बड़ा सा 4/3 ये आ गया x। अब जैसे मैंने नियम बताया था आपको, ये उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 × 3 और ये हो जाएगा 12 × 6। ठीक, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 × 1 6 × 4 24। अब इसको डिवाइड कर दें कॉमन नंबर से, तो 3 से डिवाइड भी कर सकते, 3 1 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन से डील करना सीखा हमने कि क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब एक सिंप्लीफिकेशन का भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो अपना कोरम पूरा हो जाएगा कि सिंप्लीफाई, इसमें बोर्ड पास रूल से ही हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4/3 × 7/2 − 2/5 − 1/2 + यहाँ ले लें 2/3 माइनस यहाँ 1/4 कर लेते हैं और इसको बाहर लगा देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, सिंप्लीफाई होगा, बार वाला, तो बार वाला सिंप्लीफाई कर ले। तो जैसे मैंने आपको बताया था 3 और 4 का एलसीएम यहाँ पे ले ले, 3 और 4 का तो 12 आएगा, 3 4 जा
ट्वेल्व, अब वो फोर ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, फोर टू या एट, फोर थ्री या ट्वेल्व, वो थ्री ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, यहां तक आ गया आप। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, ये कितना हो गया, एट माइनस थ्री फाइव, तो ये लिख दे आप वन बाय टू प्लस फाइव बाय ट्वेल्व, और ये भी लिखना पड़ेगा आपको टू बाय फाइव माइनस ब्रैकेट, और ये यहाँ पे आपके पास है सेवन बाय टू माइनस फोर बाय थ्री, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट कर देना। ये हो गया फोर बाय थ्री इंटू सेवन बाय टू माइनस, इसको पहले इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो ये आपका है टू बाय फाइव माइनस, इधर एलसीएम ट्वेल्व और टू का ट्वेल्व आ जाएगा, तो टू सिक्स जा ट्वेल्व, सिक्स ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, वन आया ट्वेल्व से, जब ट्वेल्व को डिवाइड करेंगे वन आएगा, वन ऊपर मल्टीप्लाई कर दें फाइव, तो ये कितना आ गया आपके पास इलेवन बाय ट्वेल्व। अब आप आगे बढ़ जाए तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, तो और कैसे करेंगे, तो फोर बाय थ्री इंटू सेवन बाय टू माइनस टू बाय फाइव माइनस इलेवन बाय ट्वेल्व। हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ट्वेल्व बाय फाइव का एलसीएम आएगा सिक्सटीन, जब फाइव से डिवाइड करेंगे आप तो ये ट्वेल्व टाइम जाएगा, तो ट्वेल्व जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा ट्वेंटी फोर, ट्वेल्व फाइव जा फाइव इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टी फाइव, ये हो गया आपका फोर बाय थ्री इंटू सेवन बाय टू माइनस ट्वेंटी फोर माइनस, तो फिफ्टी फाइव, ट्वेंटी फोर में से फिफ्टी फाइव जाएंगे तो फिफ्टी फाइव में से जाएंगे तो ये जाएगा आपके पास थर्टी वन, और माइनस का होगा माइनस थर्टी वन, तो एक बार मैं माइनस ही लिख देता हूँ, माइनस थर्टी वन बाय सिक्सटी। अब वो क्या कैंसिल कर देगा, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, पुराने रूल्स तो चलेंगे जैसे थे वैसे ही चलेंगे, सेवन बाई टू प्लस थर्टी वन बाई सिक्सटी, अब आपका एलसीएम आएगा सिक्सटी सिक्सटी, तो टू से डिवाइड करेंगे तो थर्टी टाइम जाएगा, थर्टी इंटू सेवन जाएगा टू हंड्रेड टेन, सिक्सटी से जब डिवाइड करेंगे तो सिक्सटी से क्या आएगा आपके पास, सिक्सटी से सिक्सटी डिवाइड होगा एक बार और वो वन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थर्टी वन, ये जाएगा फोर बाय थ्री। आप चाहें तो इस फोर से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, या पहले मल्टीप्लाई करके बाद में करें, यहाँ पे भी कर सकते हैं, फोर पंजा और ये फिफ्टीन टाइम्स चला जाएगा, तो ये जाएगा आपके पास टू, तो टू हंड्रेड टेन प्लस थर्टी वन, तो ये आ जाएगा टू फोर वन, टू फोर वन, और फिफ्टीन थ्री जा कितना आ गया आपके पास फोर्टी फाइव, तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, तो इसके साथ ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी हुआ। आप अपने दोस्तों के साथ इन चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, उनके साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये जो क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं पढ़ाए हैं ये सभी बच्चों को मिल जाएँ, और क्योंकि आप जानते हो कि इंटरनेट की रीच बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे बच्चों को मेरी चीज़ें मिल जाएंगी, जब वो सीखेंगे तो अपनी क्वेरी भेजेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स भेजेंगे, अपने डाउट्स लिख के भेजेंगे, तो उनको और सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि सभी जगह इस समय टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं जो उनको सारी चीज़ें ठीक से समझा पाएँ। और इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं।